दोस्तों, मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। काला जादू का नाम सुनते ही दिमाग में पश्चिम बंगाल का नाम घूमने लगता है, लेकिन भारत से ज़्यादा काला जादू का उपयोग अफ्रीका में होता है, जिसे वूडू के नाम से जाना जाता है। सामान्य लोगों के लिए यह विद्या आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं काले जादू से जुड़े हुए कुछ रहस्य। बहुत से लोग काला जादू को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ये एक सच है जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता। जानकारों का मानना है कि काला जादू और कुछ नहीं, बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, या यूं कहें कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक भेजा जा सकता है, और इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझा जा सकता है, जिसके अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। इसके स्वरूप को केवल दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। अगर ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग है तो नकारात्मक उपयोग भी है। आपको ये समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह ना तो दिव्य होती है और ना ही शैतानी। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है, जो अगर आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। गीता में कहा गया है कि अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था कि आपका कहना है कि हर चीज ऊर्जा से बनी है और हर चीज दिव्य है, अगर यही देवत्व दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है। श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं। इसका अर्थ है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है जिसे आप कुछ भी बना सकते हैं। जो बाग आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और जो देवता आकर आपको बचाता है उसमें भी वही ऊर्जा है, बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। तांत्रिक विज्ञान के अनुसार काला जादू एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है, जिसे कुछ विशेष परिस्थितियों में अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए ऊंचे स्तर की जरूरत होती है और कुछ लोग ही इसे करने में सक्षम रह पाते हैं। इस प्रक्रिया में एक गुड़िया जैसी दिखने वाली मूर्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे कई तरह के खाने की चीज़ें जैसे कि बेसन के आटे से बनाया जाता है, और इसमें विशेष मंत्रों से जान डाली जाती है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर इस पुतले को जागृत किया जाता है। वूडू की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जानवरों के शरीर के अंगों का उपयोग होता है, जिससे कई समस्याओं के समाधान का दावा किया जाता है। यहाँ तक कि इस जादू से पूर्वजों की आत्मा को किसी भी शरीर में बुलाकर अपना काम करवाया जा सकता है। वूडू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से परिपूर्ण है, और इसीलिए उनकी ऊर्जा का उपयोग करके उनकी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वूडू में मुख्य तौर पर बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, छिपकली और तेंदुए जैसे जानवरों के अंगों का इस्तेमाल होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतले के जरिए किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं है। यहां तक कि इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल ये एक तंत्र विद्या है जो भगवान शिव ने अपने भक्तों को दी थी। पुराने समय में एक पुतला बनाकर उस पर प्रयोग केवल दूर बैठे रोगी की परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम के साथ उसे जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के शरीर के जिस भी हिस्से में समस्या होती थी, पुतले के उसी अंग पर सुई गढ़ाकर विशेषक अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता था। ऐसा करने पर कुछ समय बाद तकलीफ खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जाता है, जिसमें अपनी अत्याधुनिक ऊर्जा की सहायता से किसी को भी जीवन दिया जा सकता है। कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप में स्थापित किया, जिस कारण इसे काला जादू नाम दिया जाने लगा। दरअसल उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। गौरतलब है कि जिस तरह काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर
किसी भी बीमारी या परेशानी को दूर किया जा सकता है। ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद काले जादू के प्रति आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।